महानगर में गुरुवार को बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे गाड़ियों का चालान किया गया। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि अनलॉक टू में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जो बिना मास्क और हेलमेट के वाहन चालक शहर में घूम रहे हैं और जो तीन सवारी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन द्वारा जो दुकानों के लिए रोस्टर बनाया गया है, दुकानों को चेक किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के शहर में घूमेगा, उसके खिलाफ शासन के द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लॉकडाउन के नियमों का पालन के अनुक्रम में जो वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। उसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है। जो दुकानों का जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियत क्रम है, उस क्रम के अनुरूप से दुकानें नहीं खोल रहे हैं, उन पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही जितने भी बिना हेलमेट लगाए तीन सवारी रेसर गाड़ी से घूम रहे हैं, उनकी भी गहनता से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई अपराध न घटित हो सके। COVID-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूर्णतः पालन करने के क्रम में भी किया जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के घूमेंगे उनके खिलाफ जो एक पेनल्टी है वो पेनल्टी काटी जा रही है। उसके बाद दोबारा मिलेंगे तो पेनल्टी राशि बढ़ाकर जो भी शासन द्वारा अधिकृत राशि है उसके अनुरूप भी कार्रवाई की जा रही है। शहर के जितने भी चौराहे हैं, प्रमुख चौराहे पर इस समय लगातार चेकिंग चल रही है और जब तक इस तरीके का प्रभाव रहेगा इन बिंदुओं पर लगातार चेकिंग चलती रहेगी।